हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है नागपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। और जैसे जैसे हम पेंच पहुंचते जाएंगे, आप रास्ता देखते जाइए, इसकी जो ग्रीनरी है वो बढ़ती जाएगी। बहुत ही सुंदर रास्ता है यहाँ का। और अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम घूमते हैं पेंच और वो रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अब हम पहुंच चुके हैं पेंच। ये आप देख सकते हो, पेंच का जो रास्ता है वो बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट की तरफ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये पहला व्लॉग वीडियो बना रही हूँ मैं। फाइनली बहुत महीनों बाद हम लोग कहीं घूमने निकले हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ पेंच में, और ये रिसॉर्ट का नाम है रिवर हुड रिट्रीट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये पूरा रिसॉर्ट आपको बताऊँ, जितना पॉसिबल है मैं कोशिश करूँगी आपको बताने का। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, चलिए घूमते हैं ये रिसॉर्ट और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, तो चलिए एंटर करते हैं रिसेप्शन में। ये सारी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे होती है, और अब हम अंदर जा रहे हैं रिसेप्शन में। जब तक मेरे हस्बैंड कुछ ये प्रोसेस कर रहे हैं रूम का अलॉटमेंट का, तब तक मैं आपको बताती हूँ। ये लेफ़्ट साइड में एक कॉर्नर है टाइगर शॉप, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से ख़रीद सकते हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें से देव ने कुछ उठा लिया है। और इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग लगाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है, आई थिंक ये लाइब्रेरी थी। और अब हमको रिक्शा में बिठा के ये लोग ले जा रहे हैं हमारा जो भी कॉटेज था वहाँ तक। तो देव को बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें। ये देखिए रिसेप्शन गया जो हम देखा अभी हमने अंदर से। और ये सारा ही प्रॉपर्टी इस रिसॉर्ट की है, आप देख सकते हो बहुत ही ग्रीन है यहाँ पे, एकदम जंगल जैसी फीलिंग आ रही है। और इस तरफ से ये ओपन एरिया है, यहाँ पे साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, स्लाइड्स है बच्चों के लिए, ये है डाइनिंग हॉल है जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। और ये सारे रूम्स है, ये पुल है, पुल के उस तरफ लेके जा रहे हैं हमको, देखते हैं हमारा रूम कैसा है। तो जस्ट पुल के बाजू, पुल से क्रॉस करके ये हमारा जो कॉटेज है वो आ गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अंदर से ये कॉटेज
वाओ, आप देख सकते हो सबसे पहले देव तो बाथरूम में घुस चुका है, तो मैं बाथरूम ही दिखा देती हूँ आपको। बाप रे, ये देखिए ये टब में लेट चुका है देव, और अब ये टब छोड़ने नहीं वाला है, बहुत ही खुश है वो। ये ओपन बाथ एरिया है और ये इस तरीके से बाथरूम है, आप देख सकते हो। और अब यहाँ से रूम स्टार्ट हो रहा है हमारा, बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर रूम है। ये पेंटिंग है और यहाँ से ये व्यू आया है हमको, वाओ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज है, टीवी है, कॉफ़ी मशीन है, और इस तरीके से ये एक कबट है यहाँ पे, कबट के अंदर लॉकर है, अपनी आप वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। और ये बहुत ही बड़ा एक पर्सनल सिटिंग एरिया है, तो ये एरिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हो यहाँ से इस तरीके से कुछ व्यू दिखता है, और ये है हमारे ट्रिप के स्पॉन्सरर मेरे हस्बैंड, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी बाद में। अगर आप शहर की किचपिच से थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए फॉर रिलैक्सेशन। अब रात हो चुकी है, हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हम आए हैं खाने, और यहाँ पे खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ है, सूप, सैलेड, पापड़, अचार, रायता, वेज, नॉन वेज। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, तो दोनों के लिए ही ऑप्शन थे यहाँ पे, तो फूड भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका। नॉनवेज में एक सब्ज़ी थी यहाँ पे, और वेज में यहाँ पे तीन सब्ज़ियाँ थी, स्वीट था, दाल, चावल और रोटी, ये लोग गरम गरम सर्व करके दिए इन्होंने। और हम लोग यहाँ पे आई थिंक 4:30-5 बजे पहुँचे थे, तो हमने हाई टी लिया था, उसका वीडियो में लेना भूल गई। हाई टी में चाय, कॉफ़ी और बिस्किट्स थे, और अब हम लोग डिनर कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं डिनर, मिलती हूँ मैं आपको कल। ये डिनर करने के बाद जस्ट हम ऐसे ही निकल गए थे बाहर रिसॉर्ट से रास्ता देखने के लिए, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था ये रास्ता, और हम लगा कि कोई जानवर शायद दिख जाए, खरगोश दिखा था हमें, और हमें मैं बताती हूँ आपको क्या दिखा था। ये आप देख सकते हो, ये सांप दिखा था हमें। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, थोड़ा लेट हो गया हमको उठने में, 9:30 बज गए हैं, तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने, उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ जितना आपको दिखा पाऊँ ये रिसॉर्ट। तो चलिए नाश्ता करते हैं। देव क्या खा रहा है? चोको से खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा। हेलो, अब हमने नाश्ता कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नाश्ता किया था, और आपको बहुत ही एक अच्छी जगह बताती हूँ मैं, अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, मैं बताती हूँ आप देखिए।
आप देख सकते हैं ये नदी है पीछे। अब हमारा नाश्ता हो गया है और हम लोग जा रहे हैं ट्री हाउस रिवर देखने। ये जो नदी मैंने पीछे से ऊपर से जो आपको बताई थी वही हम लोग अभी पीछे का इसका रास्ता है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं नीचे। यहाँ पे आप चाहो तो नहा भी सकते हो। तो चलो बताती हूँ मैं आपको ये नदी। देखो मैंने जो बताया था जब हम लोग ऊपर थे तो यहाँ से कुछ वीडियो लिया था मैंने और ये नदी बताई थी, और अभी हम लोग नीचे आए हैं नदी के पास। वाओ, ब्यूटीफुल। नेचर इज बेस्ट। इतना अच्छा आवाज आ रहा है, आपको आप सुन सकते हो पानी का। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। अब हम लोग आए हैं, बटरफ्लाई गार्डन है यहाँ पे, देखते हैं सकते आप। यहाँ पे इतने सारे टाइप के कलरफुल फ्लावर्स थे, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सच में यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है क्योंकि जितना वीडियो मैं ले रही थी मुझे वो कम ही लग रहा था कि मैं कौन कौन सी जगह के वीडियो कवर करके आपको बता पाऊँ। टच मी नॉट प्लांट, ये आप देख रहे हो ये इतने बड़े बड़े, ये सारे नींबू है, नींबू देखिए। इतने बड़े नींबू। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा है, मतलब ऑफिस की कोई अगर आपको फंक्शन रखना है तो आप रख सकते। क्योंकि हम कल खेल चुके हैं बैडमिंटन ग्राउंड में खेला था हमने, और आप देख सकते हो देव की पैंट गायब हो गई है नदी में आने के बाद।
आप देखते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल भी बहुत सुंदर है, हम लोग पिछली बार आए थे पर अभी फिलहाल इसमें पानी नहीं है, अभी ये बंद रखा हुआ है स्विमिंग पूल, इन्होंने देख सकते हैं आप। देव शांति, नहीं 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 देव नहीं, ये देखिए ये बड़ों का है और ये बच्चों का है। देव इधर आ सकता है, इधर आ जा छोटे वाले में। रूल्स देव पूल में स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करके बताओ देव। साइकिलिंग भी है यहाँ पे और बहुत ही मजा आई मुझे साइकिलिंग करके। और रात में हमने यहाँ पे स्टार गेजिंग की थी, उसमें हमें बहुत सारे प्लैनेट्स देखने मिले और इस तरीके से कुछ DIY चीज़ें थी वेस्ट में से बनाई हुई थी, तो इसके फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कर लिए आपके साथ शेयर करने के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगे, ये लैम्प है आप देख सकते हो, और ये जो नेक्स्ट है ये भी लैम्प थे, ऐसे बहुत सारे इस तरीके से DIY लैम्प्स बनाए हुए थे, ये ट्री पे लगाए हुए थे लैम्प टोकनी से बना के, तो और ये जो बॉटल्स है जो हम फेंक देते हैं उससे गार्डन में इस तरीके से यूज़ ले आई थी ये बॉटल्स को, तो इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं आपके लिए। अब इतना कुछ करने के बाद बहुत ज़ोरदार भूख लग गई, तो हम आ गए हैं लंच करने के लिए। आप देख सकते हो ये डॉगी है यहाँ का, क्या है इसका नाम आपको पता है? बुलेट। अच्छा बुलेट इसका नाम है, ये बताओ इसको बुलेट। लोग बिहार बोल दो। हाय हेलो, बुलाने से आटा पिया था। बुलेट इधर आ। चलो तो आज का जो हमारा ये व्लॉग है वो खत्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कल से आए थे, इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर हाई टी सब कुछ इंक्लूडेड था, तो अगर आप नेचर आपको पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है यहाँ पे। बाकी और भी रिसॉर्ट्स है, आप आके सर्च कर सकते हो पेंच में। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।